पटना के पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी पंचायत की मुखिया सुबैदा खातून के पति तथा शिक्षक शहजाद आलम को गोली मारने के मामले में पटना पुलिस ने मुख्य आरोपी शूटर मोहम्मद फैजल उर्फ फैजल नियाजी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। फैजल मूल रूप से नौबतपुर का रहने वाला है। शनिवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए एसडीपीओ प्रीतम कुमार ने बताया कि बीते 27 अगस्त को मुखिया पति को गर्दन में गोली मारने के बाद आरोपी फैजल फरार हो गया। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की गई थी। इसी मामले में पूर्व में गिरफ्तार अफरोज आलम ने इसकी दिल्ली में छुपे होने की बात कही थी। इसके बाद यूपी और पटना एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर आरोपित को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान फैजल ने मुखिया पति को गोली मारने की बात स्वीकार कर ली है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया सुने। सिगोड़ी थाना अंतर्गत जो सिगोड़ी बाजार है वहाँ पे जो वर्तमान के मुखिया है मोहम्मद शहजाद आलम, उनको किसी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दी गई थी। उसमें वो बाल बाल बचे हैं, उसी में हम लोग ने इसी समय से जो हमने वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनका बयान लिया, तो कुछ पहलू और कुछ सूत्र हमें वहाँ से मिले थे उसका, और तकनीकी अनुसंधान करते हुए कुछ लोगों का नाम आया जिसमें हम लोग करीब एक महीना से उसमें लगे हुए थे। तो ऐसा सूचना हमें प्राप्त हुई थी, एक लड़का जो दिल्ली में काम करता है कैफे में, वो पर मतलब यहाँ आके उसने मुखिया को गोली मारी। इसका अगतर अनुसंधान करते हुए सिगोड़ी थाना के पुलिस और एसटीएफ की पुलिस दोनों के मिल के एक संयुक्त छापेमारी की गई नोएडा में, जहाँ से इस बंदे को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम है फैजल नियाजी। ये नौबतपुर का रहने वाला है और इसका करीब 6 आपराधिक हिस्ट्री है। सारे केसेस इसके आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन के। इससे जो हमने मतलब जो अरेस्ट होने के बाद जो पूछताछ की तो बहुत सारे सूत्र हमें मिले, जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार है वो भी हमें जानकारी मिली है और वो भी अब कुछ दिन में पुष्टि हो जाएगी। और इसमें कुछ लोगों अभी भी गिरफ्तारी के लिए बाकी है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी।